नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी पोहा। दोस्तों, पोहा तो आपने हजारों बार खाए होंगे, बट इस तरीके से पोहा आपने कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ही डिफरेंट एक नए तरीके से पोहा बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोहा बनाना। एक कटोरी मैंने पोहा ले लिया, इसको मैंने फटक कर अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में डाल देंगे और एक कटोरी पानी डाल देंगे। इसी तरीके से मैंने दो तीन बार पानी से वॉश कर लिया अच्छे तरीके से पोहे को। अब इसको पानी निकाल कर अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच हल्दी। हल्दी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें कलर अच्छा आता है इससे। एक चम्मच के करीब चीनी डालेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे चीनी क्यों डालते हैं, पर आप एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई करना, आपको भी पता लग जाएगा कि मैं क्यों डाल रही हूँ चीनी। आधा चम्मच नींबू, यानी आधा नींबू डाल देते हैं इसमें, और इन सब को मिलाकर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मूंगफली फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मूंगफली पसंद है तो डालिए, वरना मत डालना। गैस की आंच को धीमे रखना है और इस तरीके से मूंगफली फ्राई हो गई है। अब इसमें एक चम्मच राई डाल देते हैं, कुछ करी पत्ते डाल देते हैं। इधर 10 मिनट हो गए हैं पोहे को, अब पोहे भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पोहे डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से खुले खुले हो जाएंगे पोहे चीनी और नींबू डालने से। अब इसमें छोटी छोटी कतरन की हरी मिर्च डालते हैं। और छोटे छोटे कतरन की हुए टमाटर डाल देते हैं। इन सब को आपस में मिक्स कर देंगे। और छोटी छोटी कतरन की हुई प्याज डाल देते हैं। अब इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पोहा लगभग हमारे बन गए हैं। अब इसमें फ्राई किए हुए मूंगफली डाल देते हैं। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आप बार बार बनाओगे इसी तरीके से। ये पोहे हमारे बन गए हैं और लास्ट में हम एक चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हो। यहाँ हम पोहे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये पोहा की रेसिपी कैसी लगी? आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए।